चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, सीईसी वैली में 58% से ज़्यादा वोट पड़े हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 58% से ज़्यादा वोट पड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सीईसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में वोट पड़े हैं। बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन के हवाले से बता दें कि इस वक्त बड़े पैमाने पर वैली में वोटिंग को लेकर के चर्चा की जा रही है। 85 साल के ऊपर के कई वोटर ने वोट किया इस मरतबा और इसमें इलेक्शन कमिश्नर की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही। उनकी कोशिशों की वजह से बड़े पैमाने पर वोट हुआ। वो लोग जो कि बड़ी उम्र के थे, 85 साल के ऊपर थे और बुज़ुर्ग थे या फिर उन्हें किसी तरह की जिस्मानी ईज़ा या किसी तरीके से जिस्मानी प्रॉब्लम थी, उन्हें फौरी तौर पर उनके घर जा कर के उनसे वोट लिया गया। .58% ओवरऑल टर्नआउट एंड इन वैली 51.5। हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इन टू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे। हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ट करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर एंड वी सैल्यूट ऑल ऑफ देम। वी चेंज द पॉलिसी फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो वोट एंड देयर वोटिंग वॉज ऑल्सो रिकॉर्ड। वी अबॉलिश्ड फॉर्म एम विच वॉज कंबरसम। We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self attestation. जितना easy कर सकते थे उतना किया और 26 special polling stations बना के उनको भी vote करना सिखाया।